ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है COVID-19 जन जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम चलना है संभलना है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भेंटवार्ता जिला पूर्ति अधिकारी पीलीभीत श्री एपी सिंह के साथ। भेंट करते हैं सतीश मिश्र। हमें चलना है और संभलना है, मंजिल के लिए प्रतिपल बिना रुकावट आगे बढ़ना है। अधिक हौसलों का साथ लेकर, मन में दृढ़ विश्वास लेकर हमें चलना है और संभलना है। COVID-19 जन जागृति पर आधारित आकाशवाणी रामपुर की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं ओ दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है संभलना है। अचानक आई विपत्ति हमारे हौसलों को आजमाती है, तो वहीं एक नसीहत भी दी जाती है। कोरोना संक्रमण की त्रासदी का समय भी हमारे सामने चुनौती बनकर आया। हम कोरोना संक्रमण की पहली लहर से प्रभावित हुए, योजना बनाई और संभल कर चल भी न सके कि अचानक दूसरी लहर ने त्रासदी का रूप लिया। हमारे अपने हमसे दूर जाने लगे, सांसों की टोर थमने लगी, जिंदगी की रफ्तार धीमी होने लगी, सामाजिक दायरा सिमटने से लगा। उम्मीद की नदी में हौसलों की पतवार लेकर भविष्य की नाव के सहारे अब हमने संभल कर चलना आरंभ कर दिया है। यही है जीवन की एक आस, एक नए दिन में नए विषय के साथ। चलना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं ओ दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम चलना है संभलना में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं पीलीभीत के जिला पूर्ति अधिकारी श्री एपी सिंह जी। सिंह साहब बताएंगे कि कोविड की जो दूसरी लहर थी उसका आपके विभाग पर क्या प्रभाव रहा। कोविड के दूसरी लहर में हमारे अधिकांश कोटेदार, हमारे दो जूनियर क्लर्क ये प्रभावित हुए और हम लोगों ने दूसरी लहर में शासन के निर्देशानुसार माह मई और जून में खाद्यान्न का वितरण मई के प्रथम चक्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जन अन्न योजना के अंतर्गत और जून में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया। हमारे यहाँ एक योजना पहले से चल रही है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त आच्छादित लाभार्थियों को माह जून, माह जुलाई, माह अगस्त में नियमित निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने के निर्देश दिए हैं के अनुपालन में हम लोगों द्वारा माह जून में नियमित निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया। इसके बाद जुलाई के प्रथम चक्र में माह की 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका हम लोगों ने मई के प्रथम चक्र में निःशुल्क वितरण, जून के द्वितीय चक्र में निःशुल्क वितरण और जुलाई के द्वितीय चक्र में निःशुल्क वितरण कराने की व्यवस्था चल रही है। खाद्यान्न का उठान हो गया है। हमारे यहाँ जनपद में कुल 373,000 राशन कार्ड, 16,17,000 यूनिटें हैं जिनको हम लोग निःशुल्क खाद्यान्न आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से 99% लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं।
बहुत अच्छी योजना है आपकी। इसके वितरण के लिए जो पारदर्शी व्यवस्था की बात कही जाती है, तो उसका थोड़ा डिटेल हमारे श्रोताओं को बताएं कि वो कैसी व्यवस्था है। हमारे यहाँ वितरण की पारदर्शी व्यवस्था में जैसे ही FCI से गोदाम पे खाद्यान्न आता है SFC के यहाँ, उसका प्रथम स्तर का सत्यापन SDM द्वारा होता है। द्वितीय स्तर पर कोटेदारों को निकासी दी जाती है, तो वहाँ नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगी हुई है। जैसे यह माल गांव में पहुँचता है उसका सत्यापन होता है। पहुँच के सत्यापन होने के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन के निर्देशानुसार अध्यापकों की प्रत्येक दुकान पर ड्यूटी लगाई गई है। उन्हीं अध्यापकों की उपस्थिति में ई पास के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण होता है। एक तो हमारे यहाँ पर्यवेक्षणी अधिकारी अध्यापक बैठता है, दूसरा कार्डधारक का अंगूठा लगाता है। इन्हीं जो है पारदर्शी व्यवस्थाओं के माध्यम से बढ़ता है, और कोई भी व्यक्ति चाहे तो पब्लिक डोमेन से अपना देख सकता है कि किस कार्डधारक का कौन सा व्यक्ति किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर खाद्यान्न ले गया है। ये सब पूरी व्यवस्था जो है हमारी जो है वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि कोविड की पहली लहर आई, उसके बाद दूसरी लहर आ गई, लोगों का काम धंधा छिन गया है, अब उन्हें भी मुफ्त का राशन चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि नया राशन कार्ड कैसे बनता है। आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि अगर उन्हें नया राशन कार्ड बनवाना है तो किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा उनको। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए वो लोग अपने किसी नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन कर दें। ऑनलाइन आवेदन में आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगेगा, बिना आय प्रमाण पत्र के आवेदन नहीं बनेगा। यदि वो पात्र हैं, हमारे स्तर से जांच कराई जाती है सप्लाई इंस्पेक्टर के माध्यम से, यदि पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो उनको राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा, अपात्रों को नहीं निर्गत किया जाएगा। डीएसओ साहब, आपने पात्र होने की बात कही है, क्या हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि पात्रता की वो कौन कौन सी शर्तें होती हैं जिनमें निःशुल्क राशन दिया जाता है। पात्रता के पहले आप समझ लीजिए अपात्र कौन कौन से लोग होते हैं। चार प्रकार के लोग अपात्र हैं, इनको छोड़ करके सभी लोगों का राशन कार्ड बन सकता है। पहले अपात्रता की श्रेणी में है ऐसे जो लोग आय करदाता हैं, दूसरे ऐसे लोग जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है, तीसरे ऐसे लोग जिनके पास 4 पहिया वाहन है, चौथे ऐसे लोग जिनके पास बंदूक का लाइसेंस है। ये लोग अपात्र हैं, इसके अलावा सभी लोग पात्रता की श्रेणी में आते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जिसके पास पक्का मकान है उसे किस श्रेणी में आप रखेंगे? नगरीय क्षेत्रों में पक्के मकान की परिभाषा दी गई है, 100 वर्ग मीटर से अधिक बड़ा मकान नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ जमीन की व्यवस्था है। और आय नगरीय क्षेत्रों में 3 लाख रुपया वार्षिक, ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपया वार्षिक होनी चाहिए। आपने कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना कराई थी, जो जनपद में आपके विभाग से पेट्रोल पंप संचालित हैं, कोटेदारों के भी यहाँ भी आपने कराई थी, इसका क्या प्रभाव रहा अभी कोविड में निपटने में? ये कोविड हेल्प डेस्क कितना सहायक साबित हुए? जनपद पीलीभीत में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में दूसरी लहर के आने के पूर्व ही कोविड हेल्प डेस्क कोटेदारों के यहाँ कार्यालयों में और सबसे बड़ी बात पेट्रोल पंपों पे व्यवस्था लागू हो गई थी। इससे जनपद में बड़ा लाभ मिला, सब लोग अपना मास्क लगाए थे, 2 गज की दूरी थी, पेट्रोल पंप पे तेल लेने वाला और तेल भरने वाले दोनों को मास्क लगवा दिया गया था। जो लोग इसका अनुपालन नहीं किए कर रहे थे उनको फिर जांच करके कार्रवाई भी की गई। तो दूसरी लहर आने के पहले ही हम लोगों की व्यवस्थाएं बड़ी टाइट थी। अभी जो आपने बताया कि पेट्रोल पंप पर मास्क लगाना अनिवार्य था, जिलाधिकारी पुलकित खरे जी ने नो मास्क नो फ्यूल अभियान शुरू कराया था, आपके द्वारा ही उसे लागू कराया गया था, इसकी प्रगति क्या रही? वर्तमान समय में इसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? दूसरी लहर के पहले जैसे चल रहा था सब लोग 100% लोग मास्क लगा के तेल ले रहे थे, 100% कर्मचारी मास्क लगाए थे, वर्तमान में भी यही व्यवस्था लागू है। मैं जब निकलता हूँ तो मैं भी देख लेता हूँ क्षेत्र में हर पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल भरने वाले अथवा पेट्रोल लेने वाले सभी लोग जो है 100% मास्क का अनुपालन कर रहे हैं। तो विभाग में कोविड टीकाकरण की क्या स्थिति है? कोविड टीकाकरण के अंतर्गत ग्राम स्वच्छता समिति या ग्राम में जो निगरानी समिति बनी हुई है, निगरानी समिति में कोटेदार भी उसका एक अंग है। गाँव में कोविड के प्रचार प्रसार के लिए और उसके टीके लगवाने के लिए हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर SDM साहब और कोटेदार लोग सब लोग लगे हैं, जागरूकता फैलाई जा रही है और हमारे कोटेदारों ने तो 100% अपने परिवार और स्वयं का टीकाकरण करा लिया है। जो कोटेदार हैं आपके गांव में खाद्यान्न वितरण करते हैं,
वो कम से कम रोज 150 लोगों से मिलते होंगे। पेट्रोल पंप पे जो सेलमैन हैं या पेट्रोल पंप के स्वामी हैं वो भी कम से कम 1500 लोगों से प्रतिदिन मिलते हैं। क्या उन्हें कोविड में फ्रंट लाइन वर्कर माना गया है और उनके वैक्सीनेशन के लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था कराई गई है विभाग द्वारा? वास्तव में फ्रंट लाइन वर्कर हैं, सरकार को मानना पड़ेगा, यह सरकारी नीति है, सरकार अपना तय करेगी, लेकिन मेरी नज़रों में वो लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं, क्योंकि कोविड में जहाँ काम सबका बंद है वहाँ पे गैस वाले, पेट्रोल पंप वाले, कोटेदार ही तो काम कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि सरकार माने या ना माने, लेकिन आप उन्हें फ्रंट लाइन वर्कर मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक जानकारी और चाहता हूँ कि आपके विभाग द्वारा कोविड वैक्सीनेशन के प्रचार प्रसार के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या क्या किया जा रहा है प्रचार प्रसार के लिए? हमारे ग्राम निगरानी समिति का मेंबर कोटेदार है, कोटेदार प्रचार प्रसार करता है, सप्लाई इंस्पेक्टर हमारे हैं, ये लोग कोटेदारों की बैठक बुला कर उनको समझा दिए हैं कि सबको आप लोग जागरूक करिए और जो है वैक्सीनेशन करवाइए। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ यशो साहब कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है जनता में कि जिन्होंने कोविड टीका नहीं लगवाया है उनको मुफ्त राशन नहीं मिलेगा, उनका कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई भ्रम नहीं है, सबको राशन मिलेगा, सबका कार्ड बनेगा, लेकिन लोगों को जागरूक करना है कि अपना टीका अवश्य लगवाएं। टीका नहीं लगवाएंगे बीमारी और फैलेगी, इसलिए टीका लगाना अनिवार्य है। बहुत अच्छी जानकारी दी। क्या आपके पास ऐसे कोई आंकड़े हैं कि आपके कितने कोटेदार हैं और कितने अब तक जो हैं वो टीका लगवा चुके हैं? कोई ऐसे निर्देश भी आपने यहाँ से जारी जरूर किए होंगे, उस संबंध में बताएं हमारे श्रोताओं को। हमारे यहाँ नगरीय क्षेत्रों में 782, ग्रामीण क्षेत्रों में 103, कुल मिला के 885 कोटेदार हैं। हमने निर्देश जारी किया, सभी कोटेदार स्वयं अपने परिवार का भी लगवा लिए हैं, गाँव में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा। कोटेदार अगर वैक्सीन लगवा लेंगे तो उससे गांव के लोगों को भी उन्हें जागरूक करने में मदद मिलेगी। एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि कोविड काल में जो दौर चल रहा था उससे निजात पाने के लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि सब लोग मास्क लगाएं, हाथ को बार बार साबुन पानी से धोएं और अपने हाथ को अपने नाक मुंह के पास न ले जाएं, 2 गज की दूरी बनाएं और मास्क जरूरी लगाएं। बहुत अच्छा डीएसओ साहब, एक चीज़ और बताइए कि क्या आपने और आपके परिवार ने टीका लगवा लिया है कोविड का? सभी लोगों ने दोनों डोज लगवा लिया है। जी जी, आपके विभाग में भी क्या 100% लोग टीकाकरण करा चुके हैं या अभी कोई संख्या बकाया है? नहीं, हमारे स्टाफ के सब लोगों ने 100% करा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद डीएसओ साहब आकाशवाणी से बात करने के लिए। आकाशवाणी रामपुर के श्रोताओं की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज को संवार ले, कल को हम निखार ले, मेहनत से स्वर्ग को जमीन।
अगर हाथ कर दे वो करामात, साथी हो अगर साथ। रो रही है आज झोपड़ी जहां, एक नई इमारत होगी कल वहां। एक नई इमारत होगी कल वहां, एक नई इमारत होगी कल वहां। आज को सवार ले कल को हम निखार ले, मेहनत से स्वर्ग को जमीन पर उतार ले। आवरे आवरे सखिया, 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 आवरे आवरे को संवार ले, कल को हम निखार ले।
मेहनत से स्वर्ग को जमीन पर उतार ले। आज को संभाल ले, कल को हम निकाल ले, मेहनत से स्वर्ग को जमीन पर उतार ले। आवरे आवरे सती, आवरे आवरे सती, आवरे आवरे सती आओ, आवरे आवरे सती, आवरे आवरे सती, आवरे आवरे सती आओ। ये वक्त है संभलने का, उठ खड़े होकर नए अंदाज में चलने का। कठिन घड़ी है, मुश्किल बड़ी है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर की त्रासदी का हमने सामना किया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से हम सभी सुरक्षित रहें, इस तरह के प्रयास हमें करने हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है, ना तो भीड़ वाली जगह जाना है और ना ही भीड़ का हिस्सा बनना है। नमस्कार, क्या आपने वैक्सीनेशन करवाया? स्वागत संबोधन के साथ क्या आपने वैक्सीनेशन करवाया वाक्य को एक मुहिम और अपील की तरह सब तक पहुंचाना है। सफाई, दवाई और कड़ाई, तभी जीतेंगे हम कोरोना से लड़ाई। कोविड 19 जन जागृति पर आधारित आकाशवाणी रामपुर की इस विशेष प्रस्तुति में आज का सफर बस यहीं तक। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तू जीना जला। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तू जीना जला। कभी हम है यहाँ, कभी है खुशियाँ, हर हाल में हमको पलना है। हमें राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं औरिये औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। अभी आप सुन रहे थे कोविड 19 पर जन जागृति का कार्यक्रम, चलना है संभलना।